अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग आए हुए हैं एम्प्रेस मार्केट, इसका हम विजिट करते हैं। एम्प्रेस मार्केट सदर में है, प्री पार्टीशन की बिल्डिंग है, ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी। मार्केट मेन सदर मार्केट के अंदर ये मौजूद है और ये 18th सेंचुरी की कहीं बिल्डिंग है। चलें इसका विजिट करते हैं और आपको उसके मज़ीद अपडेट देते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और अब किस चीज़ की मार्केट है यहाँ पर। तो आइए मेरे साथ। मार्केट सदर में प्री पार्टीशन बिल्डिंग है ये, और ये बिल्डिंग जो है अंग्रेज़ों ने बनाई थी मार्केट पर्पज़ के लिए। 1891 में ये बिल्डिंग बनी थी। इस बिल्डिंग के अतराफ़ के अंदर सब तजावजात थी जो KMC गवर्नमेंट ने अभी कुछ चंद साल पहले ख़त्म करवाई है। अब इसके ऊपर एक ग्रास और थोड़ा ग्रीनरी की थी इसके ऊपर, और ये सिटिंग भी अरेंजमेंट किया था। अभी ग्रास तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मार्केट के अंदर अभी क्या कुछ मिल रहा है ये हम लोग चल के देखते हैं और आपको उसका विजिट करवाते हैं। व्यूअर्स, ये इस बिल्डिंग के एंट्रेंस है, हम इस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसके ऊपर इसकी लिखी हुई हिस्ट्री की कब बनी थी ये। अब एम्प्रेस मार्केट KMC मार्केट कहलाती है और ये 1889 में बनी थी। ये देखें व्यूअर्स, अभी एंटर हो रहे हैं तो यहाँ पे अचार की दुकान है, अचार और डिफरेंट मसाला जहाँ जहाँ पे मिल रहे हैं। एक खेल वाले बैठे हैं। तो व्यूअर्स, ये है दाल चावल की दुकान और डिफरेंट अनाज मिलते हैं यहाँ पे। हम लोग एम्प्रेस मार्केट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो मुनासिब रेट्स के ऊपर या गालिबा होल सेल रेट के ऊपर ही चीज़ें बेचते हैं। ये मेवाजात की काफ़ी बड़ी दुकान है, मूंगफली, बादाम, चिक्की, अखरोट, खुबानी, खजूर, नारियल और काफ़ी डिफरेंट आइटम्स यहाँ पे मिलते हैं। ये साथ ही व्यूअर्स सब्ज़ी की दुकान भी आ गई है, इधर ये सब्ज़ी भी अवेलेबल है। अच्छा व्यूअर्स, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको जब भी नई वीडियोस हमारी आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हमें लाइक भी कीजिए। हमें पता है वीडियोस तो आप हमारी शौक से देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपको मज़ीद अच्छी चीज़ें दिखा सकें, आपके लिए मज़ीद अच्छा डिस्कवर कर सकें। अच्छा व्यूअर्स, ये एक तेल की दुकान है, इस तेल की दुकान के ऊपर डिफरेंट किस्म के तेल मिल रहे हैं। अब्दुल गफूर कासिम ऑयल स्पेशलिस्ट के नाम की दुकान है। ये मेवाजात की दुकान से हम निकल रहे हैं, अब हम आए हैं अच्छा व्यूअर्स, ये इसकी दूसरी साइड के ऊपर भी मेवाजात की मार्केट है, इसकी दुकानें ही चने हैं ये। अच्छा, ये सामने मसाला जात की दुकान है, मिर्चें और इस गरम मसाले, धनिया, ये सब चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। अच्छा व्यूअर्स, अब इसके पास सामने जहाँ हम लोग जा रहे हैं ये सब्ज़ी मार्केट है। एम्प्रेस मार्केट के बेसिकली चार गेट हैं, ये हम एक गेट से दाखिल हुए हैं। इस गेट से जब नीचे उतर रहे हैं हम लोग ये, तो ये दरमियान में एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल जो ओपन एरिया है इसके ऊपर सब्ज़ी मार्केट बनी हुई है। कुछ प्लास्टिक की चीज़ें जो बाल्टियाँ और इस टाइप के डिफरेंट आइटम्स होते हैं, झाड़ू, ये मिलते हैं, और कुछ और दुकानें भी हैं इसके ऊपर। ये देखें झाड़ू दिख रहे हैं आपको, झाड़ू के साथ ब्रश और मग्स, इस टाइप की दुकानें हैं। ये देखें, ये सब्ज़ी मार्केट है मेन। जब एम्प्रेस मार्केट के किसी भी गेट से आते हैं दरमियान में आपको ये सब्ज़ी मार्केट दिखती है, बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी है। और आप देख सकते हैं कि डिफरेंट आइटम्स पड़े हुए हैं। ये पूरा इसका व्यू है सब्ज़ी मार्केट का, ये देखें बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी दिखी हुई है, दिख रही है। एक और सब्ज़ी की दुकान है, ये
फिर दाल चावल और गेहूँ की दुकान आ गई। ये व्यूअर्स निम्को की दुकान है, निम्को मिल रहे हैं डिफरेंट टाइप के, ये निम्को यहाँ पे अच्छे मैंने रेट्स मालूम किए थे, कुछ अच्छे रेट्स पे मिल रहे हैं निम्को। ये व्यूअर्स इसका दूसरा गेट है एम्प्रेस मार्केट का। ये व्यूअर्स ये हम तीसरा जो गेट है इधर आ गए हैं अब हम, ये गोश्त मार्केट है। इस गेट से अगर हम लोग एंटर होते हैं, ये गोश्त मार्केट है, ये पाए, ये बर्ड ओजड़ी, ये आइटम्स यहाँ पे मिल रहे हैं, गोश्त भी मिलता है, ये कलेजी और ये भुने हुए पाए भी आके आपको दिख रहे हैं, इवन ये जबान भी पड़ी हुई है, ये देखें भुने हुए पाए, बच्चा के भी हैं, भैंस के भी हैं, ये मिल रहे हैं। थोड़ी गंदगी है, मक्खियाँ हैं यहाँ पर, लेकिन ये पूरी गोश्त मार्केट है। अभी 4 बज रहे हैं शाम के, तो दुकानें बंद हो चुकी हैं, चंद दुकानें खुली हुई हैं, ये देख सकते हैं गोश्त लटका हुआ है। गोश्त भी यहाँ पे मैंने सुना है मुनासिब रेट से मिल जाता है। ये देखें एक और पाए की दुकान है, ये व्यूअर्स पाए की दुकान है। ये पाए हमने इनसे पूछा, ये बछिया यानी गाय के पाए, ये 350 रुपये का एक पाया है। ये बट है, बट 300 रुपये किलो है। ये गुर्दा है भैंस का, ये 250 रुपये किलो है, गुर्दे के साथ कलेजी पड़ी हुई है, ये 480 रुपये किलो है। तो बस मार्केट सही है अभी तो, खैर के तरफ ऊपर इतना रश नहीं है, मक्खियाँ काफ़ी हैं यहाँ पे। ये देखें बट है, आज तक हम बट को और उजड़ी को एक ही चीज़ समझते थे, लेकिन जो लोग बट खाने के शौकीन हैं वो बट भी देख लें। और अभी उजड़ी भी हम आपको दूसरी दुकान पे दिखाते हैं कि उजड़ी कैसी है। सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, पाए लेने हो तो यहाँ पे आ जाएं, सस्ते मिल जाएंगे। ये भैंस के पाए, ये पाया 700 रुपये का एक पाया है, और पाए के साथ ही ये जो चीज़ पड़ी हुई है ये होती है उजड़ी, ये 150 रुपये किलो है। जो लोग खाने के शौकीन हैं वो यहाँ पर आके ले सकते हैं। ये उजड़ी के साथ ये बट है, तो उजड़ी और बट का डिफरेंस ये है। तो व्यूअर्स ही हम एम्प्रेस मार्केट के जिस गेट तीसरे गेट से आए थे, इसका ये व्यू था, ये हम आप तो हमने आपको दिखाया। अब हम बाहर निकलते हैं, ये साथ में बर्तन मार्केट है, प्लास्टिक के बर्तन और लोटे बाल्टी इस टाइप की चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा व्यूअर्स, बस हमने आपको ये थोड़ा मुख्तसर सा विज़िट करवाना था एम्प्रेस मार्केट का। हम आपको थोड़ा मसाले जाती दुकान भी दिखा देते हैं। ये सामने सूखी हुई लाल मिर्चें पड़ी हुई हैं, इनके पास काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी, लेकिन हमने इनसे सरसों थोड़ी निकलवाई है। इन्होंने हमें बताया कि सरसों दो किस्म की होती है, हमने कहा आपसे भी ये नॉलेज शेयर कर दें। एक सरसों होती है काली कलर की, ये काली सरसों है, ये 380 रुपये किलो है, और एक है ये येलो सरसों जिसको पीली सरसों भी कहते हैं, ये 480 रुपये किलो है। ये दो किस्म की सरसों होती है, और ये आप देख सकते हैं सरसों। बस ये मसाला जात के हम दुकान पे आए थे, इधर डिफरेंट आइटम पड़े हुए थे, तो हमने सरसों का थोड़ा पता चला है, तो हमने नॉलेज आपके साथ भी शेयर की है। तो व्यूअर्स अच्छा आए हम लोग यहाँ पे, हम अच्छा लगा। ये एक और दफ़ा देख लें, येलो सरसों और काली सरसों का डिफरेंस। इसमें भी दुकान का मैंने कहा आखिरी विजिट कर लें, मूंगफली चने इस टाइप के आइटम्स पड़े हुए, अखरोट भी है इनके साथ ही। रिव्यूअर्स ये कुछ ईरानी टॉफीज पड़ी हुई हैं, ये चिक्की भी है, और कुछ बीज हैं, रेवड़ी है, ये इनके पीछे निम्को लगी हुई है। ये लाल शेड इस वजह से आ रहा है कि ऊपर कुछ इन्होंने छापड़ा डाला हुआ है रोशनी से धूप से बचने के लिए, तो उसका लाल शेड नीचे आ रहा है। साथ में गुड़ भी पसंद पड़ा हुआ था इनके पास, चिप्स हैं। तो व्यूअर्स बस ये हमारी छोटी सी वीडियो थी, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।